उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद व मथुरा सहित कई जिलों में फैले डेंगू और अन्य जल जनित बीमारियों से बच्चे प्रभावित हुए हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है। उन्होंने निर्देश दिया है कि फिरोजाबाद, आगरा, कानपुर, मथुरा आदि प्रभावित जिलों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाए। इन जिलों में विशेषज्ञ टीम के दिशा निर्देश के अनुरूप उपचार की समुचित व्यवस्था रहे, बेड और दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता बनाई रखी जाए, सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों के मुफ्त उपचार की व्यवस्था रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि बरसात के मौसम को देखते हुए डेंगू, मलेरिया और अन्य वायरल बीमारियों के संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए जारी प्रदेश व्यापी सर्विलांस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाया जाए। सर्दी, जुकाम, बुखार, श्वास समस्या आदि संबंधित लोगों को चिन्हित करके समुचित उपचार की व्यवस्था कराई जाए, आवश्यकता अनुसार जांच भी कराई जाए। डोर टू डोर सर्वेक्षण के दौरान बुखार, दस्त और डायरिया आदि की जरूरी दवाइयां वितरित की जाए। डेंगू व वायरल फीवर से पीड़ित हुए बच्चे यूपी सरकार ने फिरोजाबाद व मथुरा सहित कई जिलों में फैले संक्रमण को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। यह कोरोना वायरस का नया वेरिएंट नहीं है, बल्कि जल जनित बीमारियों से ही बच्चे प्रभावित हुए हैं। डेंगू, चिकनगुनिया व काला आजार से ही लोग पीड़ित हुए हैं और इनके इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बेड व दवा की उपलब्धता के साथ कैंप लगाकर लोगों की जांच कराई जा रही है। चिकित्सीय सुविधाओं में साफ सफाई को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। हर जिले में एक नोडल अधिकारी तैनात कर संक्रामक रोगों से निपटने के लिए मजबूत चक्रव्यूह तैयार किया गया है।